भरोसा हर चीज़ की नींव होता है। अगर हम भरोसा करें तो हम क्या नहीं कर सकते। चलो आज की कहानी स्टार्ट करते हैं हम बीटल्स आश्रम यानी कि 84 कुटिया से। जिस तरह हम भरोसा करते हैं कि दुनिया में 84 लाख यूनिया होती है, उसी तरह इस जगह का नाम रखा गया 84 कुटिया। महर्षि महेश योगी यहाँ पर 1960 में आए थे फर्स्ट टाइम, और उन्होंने रिक्वेस्ट करी थी गवर्नमेंट ने से कि उनको ये लैंड लीज़ करी जाए जो कि अराउंड 50 एकड़ की है। और इनको जो लैंड लीज़ करी गई वो लीज़ करी गई 1961 में गवर्नमेंट के द्वारा 40 सालों के लिए, मतलब 40 ईयर्स के लिए। उसके बाद महर्षि महेश योगी ने अपनी एक्टिविटीज़ जो हैं वो शिफ्ट कर ली यूरोप या फिर कहूँ वेस्ट साइड, और 1990 में ये बिल्कुल अबेंडन हो गया। पता नहीं इसका नाम बीटल्स आश्रम क्यों पड़ा, जबकि वो लोग एक मंथ भी ढंग से नहीं रुके थे जहाँ तक स्टोरीज हैं। चलो चलते हैं बीटल्स आश्रम, बेसिकली 84 कुटिया। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी आई एम स्टेइंग विद, इट्स एलबी, क्या नाम है प्रॉपर्टी का? EWLBW। सो वी आर गोइंग फॉर द ब्रेकफास्ट, इट्स 10 इन द मॉर्निंग। That's all for the breakfast, guys. Then we have sambar also, Ashi. Sambar. It's a sambar. Then we have chole also. What do you want to have, actually? Chole. Yup. It's a parathe and the bhature. Parathe or bhature. Yeah. Noodles and pasta. I really want to have pasta. Poha. Poha. We are late. Vermal sweet. बट साढ़े दस गरम गरम खिलाओगे? नहीं बस ठीक है, आपने बोल दिया वही बहुत बड़ी बात है। एंड दिस इज पोंगल एंड उत्पम। आई रियली वांट टू टेल ट्राई इसके कपड़े देखो इसने कैसे रखे हुए कमरे में। सो वी आर गोइंग, अगर पटना वाटरफॉल खुला हो तो पहले हम वहाँ जा रहे हैं। मेरे पुराने ब्लॉग्स में आपने पटना वाटरफॉल शायद ही देखा हो क्योंकि मैंने कवर नहीं करा था। सो अगर खुला हो तो दिस इज गोना बी अ सेक्सी डे, एंड उसके बाद हम जाएंगे कहीं और। तो वो जगह शायद आपने मेरे ब्लॉग्स में कई बार देखी हो, नहीं एक दो बार देखी, एक बार देखी, एक बार देखी हो। सो लेट्स स्टार्ट विद द डे, एंड आई एम रियली एक्साइटेड टू शो यू डिफरेंट साइड ऑफ ऋषिकेश, मानसून इन ऋषिकेश। एक्चुअली मैं मौसम बहुत ही प्यारा है और हम जा रहे हैं आगे की तरफ थोड़ा सा, और यहाँ से बद्रीनाथ कुछ 285 किलोमीटर, गौरीकुंड जैसे केदारनाथ की चढ़ाई स्टार्ट होती है। अगर आपने गौरीकुंड का स्टोरी नहीं सुनी तो आपको मेरे लास्ट ब्लॉग केदारनाथ के देखने चाहिए, देयर इज अ स्टोरी ऑफ गौरीकुंड। एंड अभी मैं आपको त्रिवेणी घाट की स्टोरी कल के लास्ट के ब्लॉग में मैंने शेयर करी है, आप वो भी सुन सकते हो। और उसके अलावा हम बढ़ेंगे यहाँ से यू टर्न, आ गया हमारा टर्न। सो गाइस यहाँ पे पटना वाटरफॉल है, चेतावनी आई हुई है, यहाँ पे बंद करा हुआ है इसको, और इसको भी काफ़ी टाइम हो गया, कह रहे हैं ऊपर से मिट्टी पत्थर आ रहे हैं, नहीं तो दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल ट्रैक, ट्रस्ट मी, मतलब ऊपर जाके बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे भी बहुत बुरा हाल है। सो इस वक्त अगर आप प्लान कर रहे हो
so you have to be careful with the tracks and all. So finally reaching Churasi Kutia. Been here before also. तो मैं पहुंच चुकी चौरासी कुटिया, जिसको कहा जाता है बीटल्स आश्रम. इसकी हिस्ट्री यार बहुत बड़ी है. चौरासी कुटिया है अंदर पूरी की पूरी. एंड लेट्स जस्ट गेट द टिकट्स डन. और ये हम लोग बीटल आश्रम में एंटर करते हुए है, जो अब टाइगर नेशनल रिजर्व के मतलब अथॉरिटी में आता है. सो देयर वाज अ टाइम पीपल एक्चुअली यूज्ड टू लिव हियर, बट अब यहाँ पे कोई नहीं रहता. हाँ, मगर आपको अंदर जाके यहाँ की काफ़ी चीज़ें इंटरेस्टिंग पता चलती हैं. सो अगर आप अभी ऋषिकेश में कभी बीटल्स विजिट नहीं करा, तो द टिकट कॉस्ट अराउंड 150 पर पर्सन एज अ इंडियन पर्सन. सो 150 लगी टिकट एक बंदे की. एंड लुक एट द ब्यूटी गाइस, द पोस्ट ऑफिस ऑफ 1960 का पोस्ट ऑफिस है गाइस ये. जैसे जैसे आप पाथ में आगे बढ़ते जाओगे ना, यू विल फाइंड दिस प्लेसेस वेर इज दिस प्रिंटिंग मशीन ऑफ दैट टाइम. एंड पीपल एक्चुअली यूज टू लिव हेयर. पहले यहाँ टॉयलेट्स नहीं थे, इन्होंने अब टॉयलेट फैसिलिटीज भी कर दी है ऑलमोस्ट. हो डिग्रेड वाला, आई डोंट नो व्हाट दैट मीन्स. किसको पता है तो कमेंट करके बताओ. एंड हियर वी एंटर टू द अदर पार्ट, एंटरिंग टू द वेद भवन, विच इज लाइक जहाँ पे 1976 में कंस्ट्रक्ट हुआ था. और यहाँ पे सबसे ज़्यादा पीस पिक्चर्स ली जाती हैं. तो आप कौन सा गाना गा रहे हो? नहीं, आप कौन सा गाना गा रहे हो आप स्टेज पे? ये है आनंद भवन एंड सिद्धि भवन, जो 1976 में कंस्ट्रक्ट हुए हैं. और ये बिल्डिंग्स मुझे सबसे ज़्यादा हार्ट अटैक देती हैं, उनकी वाइब्स कुछ अजीब हैं. सो यू नो दिस इज लाइक कोर्स पार्टिसिपेंट्स बिकमिंग ट्रांजिट मेडिटेशन टीचर्स और एडवांस ट्रेनिंग कोर्स. अच्छा, यहाँ पे कोर्सेज होते थे उस टाइम पे. लेट्स गो टू द लास्ट बिल्डिंग, क्योंकि मैं सारी बिल्डिंग्स कई बार जा चुकी हूँ. लेट्स गो टू द सीधा लास्ट बिल्डिंग, क्योंकि सबसे टॉप पर है. या फिर सेकेंड लास्ट बिल्डिंग्स में चलते हैं. स्टार्ट है. हम बिल्डिंग के थर्ड फ्लोर पर. हेलो फ्रॉम द अदर साइड. वाओ, जस्ट लुक एट द पहाड़ों का व्यू यहाँ से. वीडियो चल भी रही है. सो दिस इज़ दी महर्षि महेश योगी विद ब्लेसिंग्स. इन मतलब ये यहाँ पे मेडिटेशन एंड योगा किया जाता था उस टाइम पर. एंड आफ्टर दिस वी आर गोइंग फॉर द चौरासी कुटिया, जो कि रास्ता नीचे की तरफ से निकल रहा है दिस साइड. एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि पता है यहाँ पे क्यों किया जाता था, ये एरिया इसलिए सिलेक्ट किया गया था क्योंकि इसके जस्ट बैक साइड गंगा की साउंड ना हमेशा सुनाई देती है, विच एक्चुअली वॉज वेरी काइंड ऑफ उस टाइम पर बहुत अच्छा माना जाता था उस गंगा की साउंड को. लाइक कहते हैं ना, वो ध्यान के लिए पानी की साउंड, और पानी की साउंड बहुत हेल्पफुल होती है आपको हील करने के लिए. दैट्स द एरिया जहाँ पे चौरासी कुटिया बेसिकली हैं बहुत सारी. इसके अंदर टॉयलेट से लेके सब सीढ़ियाँ हैं ऊपर की तरफ, और इंडियन टॉयलेट्स हैं स्पेशली अंदर, मैं आपको बता देती हूँ. एंड अगर आपने बीटल्स नहीं देखा यहाँ आके, तो प्लीज़ विज़िट करो और ये जगह देखो. प्लस आगे की तरफ चलते, नीचे की तरफ, मतलब कितना फैंटास्टिक है ना, कि अंदर चढ़ो, ऊपर छत पे चढ़ोगे, दिस इज छत, यहाँ से बाहर से लोग निकले दिस गेट से, एंड ऊपर से अपने प्रोसेस कर रहे हो हाय हाय. हो उस जगह कितना ये इंटरेस्टिंग प्रोसेस होता होगा.
तो ये जो मेडिटेशन केव्स जो हमने अभी देखी, जिनको कुटिया कहा जाता है, ये बिल्डअप हुई थी 76 से 78 के बीच में, 19 से, और स्पेशली गंगा शोर में, इसलिए क्योंकि गंगा की आवाज आए ताकि लोग आराम से मेडिटेशन कर सकें। Asking guys, ये सेफ है ट्रैवल करने के लिए? I said, पता नहीं भाई, तू जान मर्जी चल ले, मेरा बस चले तो, मैं तो गंगा में थक्का दे, उस पर भी चल ले तू तो। देख जान की झूला, कल हम जहाँ पे थे सामने, मैं नहीं लेने आऊंगी, I will be not the one। फोटो खींचेगा? फिलहाल मैं ऋषिकेश घूम रही हूँ गाड़ी में, अगर आप यहाँ आ रहे हो, ठीक है, मैंने अभी होटल के रेट साइन ऑफ शेयर करना बाकी है मेरे रूम का, सो आई विल शेयर इट। अगर आप यहाँ आ रहे हो, सो मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि आप जो है यहाँ पे स्कूटी या बाइक हायर कर सकते हो, और आप रामचूला आराम से क्रॉस कर सकते हो, रामचूला के आसपास पार्किंग भी है, और आप स्कूटी या बाइक हायर कर सकते हो, लाइक 300 से 400 रुपए पर डे के आसपास आराम से मिल जाती है, एंड यू कैन मतलब रोम अराउंड। और उसके अलावा भी लक्ष्मण झूला तो टाइम ही लगेगा, मैं पहली बार यहाँ से गाड़ी घुस के अपनी, मतलब यू नो आशीष, दिस इज फर्स्ट टाइम, मतलब मैंने भी ऐसे यहाँ पे से गाड़ी नहीं निकाली अपनी, पता है इन गलियों से, मैं हमेशा पैदल निकली हूँ उस गलियों में, ऑलमोस्ट ट्राइड है, मतलब बहुत सारे रेस्टोरेंट्स यहाँ पे, बहुत सारे रेस्टोरेंट्स आ चुके हैं, इसका तो इसका बहुत फेमस है। सो दैट्स द सीजर सैलेड गाइस वी आर गोइंग टू हैव अभी, एंड भैया इसमें क्या क्या है सीजर सैलेड में, मतलब ये कौन कौन सा है? सीजर सैलेड में आपका इसमें वो रहता है, हैंस पर्क रहता है, और आपका ये क्या बोलते हैं, ये क्या है, क्रोटोन से, क्रोटोन से। अच्छा ये वेज है ना सारा, ये जो टोटल प्योर वेजिटेरियन है, ओके, ब्रेड का पार्ट लग रहा है, ब्रेड का ही पार्ट होता है जिसमें okay. क्रोटोन्स बोला जाता है, ओके, क्रोटोन्स बनाया जाता है इसको ना, क्रम से, इसमें क्रम से, इसमें ये टमाटो डाला जाता है, ओरिगेनो डाला जाता है, और इसमें हल्की सी चिली फ्लेक्स भी होती है। गाइस इनके रूम्स बहुत अच्छे हैं यार, बहुत रिलैक्सिंग है। फिलहाल मैं बैठी हूँ LB होटल्स के साथ, सो लेट्स आई प्रॉमिस कि आज मैं होटल्स के बारे में बताऊंगी। तो दिस इज द रूम एंड दिस इज विद द गंगा रिवर का व्यू, बट पहले दिस इज द वॉशरूम, पहले वॉशरूम दिखा दे बिकॉज आई लव द बाथटब, इजंट दैट अमेजिंग, एंड लेट्स गो। दिस इज सेम लाइक माई रूम, जितना बेड है, एंड यहाँ पे एक्स्ट्रा बेडिंग भी है, यहाँ पे मतलब एक्स्ट्रा रूम है, सो दिस इज लाइक वो, मतलब गंगा व्यू के साथ आप सो सकते हो, मतलब ये फैमिली कैटेगरी है, और ये मतलब इसका क्या, मतलब क्या नाम है इस रूम का, दैट्स द गंगा रिवर, गंगा व्यू, अच्छा ओके, प्रीमियम गंगा व्यू, ओके ऑसम। तो जिस लास्ट रूम में हम थे उसका प्राइसिंग था 15,000, एंड ये है दूसरा रूम सेम विद गंगास व्यू एंड सेम विद दी बाथटब, सो इसका प्राइसिंग है 12,000 प्लस, एंड लुक एट द रूम, इट्स द सेम लाइक मेरा वाला ही रूम, बट पता है इसकी प्राइसिंग इसलिए हाई है क्योंकि हाँ इसका व्यू गंगा का है, डियर दिखते हैं वो, डियर्स हैं, ओह माय गॉड यस आई कैन सी, वहाँ डियर हैं, देखो चेक करो गाइस, एलिफेंट्स वगैरह भी आते रहते होंगे, अच्छा वो पानी पीने आते होंगे, हाँ एग्जैक्टली वो डियर हैं वहाँ पे, वो डेडी। सो गाइस आज डियर देखो, और अगर इसमें ना कैप्चर नहीं होगा बट ये डियर हैं सारे यहाँ पे, मैंने नोटिस किया देख रहे हो। सो दैट्स द सूप फॉर द डिनर, एंड वी हैड द केक एक्चुअली, यहाँ से गेस्ट का बर्थडे था, एंड दैट्स अ पास्ता, एंड यू नो लुक एट द क्वांटिटी ऑफ पास्ता, आई एम टेलिंग यू द गाइस दे आर गोइंग टू, मतलब यू नो द फूड इज एक्चुअली वेरी वेरी मच अमेजिंग, और क्वांटिटी देखो यार, थैंक यू सो मच यार, एंड द गेस्ट, मतलब यू नो द पीपल आर रियली हेल्पफुल, थैंक यू यार। Let's start with the dinner and thank God we are going to have a very fantastic dinner today.
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सी यू विद द नेक्स्ट व्लॉग।